तो उन्हें बस्तर पुलिस कति ले लगातार चलाए जात नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मंगलवार के पुलिस ल बड़का कामयाबी मिले हे। पुलिस शहर ले दो युवक मन ल माओवादी मन बर असला बारूद सप्लाई करे के आरोप में गिरफ्तार करे। देखा रिपोर्ट। एएसपी संजय महादेवा प्रेस वार्ता में मामला के जानकारी देत बताइस कि पुलिस ला मुखबिर ले सूचना मिलिस कि दो युवक दो ठन करिया बैग में संदिग्ध सामान लेके कैसलूर के पुराना टोल टैक्स नाका में ककरो इंतजार करत है। सूचना मिलते ही पुलिस मौका में पहुंच के युवक मन ले पूछताछ शुरू करीस और उकर बैग के तलाशी लीस। पुलिस ला बैग ले 5 लाख रुपया नकदी, 12 बोर के 5 नग कारतूस, 3 नग इंसास के कारतूस, 3 नग AK-47 के कारतूस, 2 नग 9 mm के कारतूस, 2 नग मोबाइल फोन, 3 नग SLR के कारतूस, 25 नग डेटोनेटर फ्यूज वायर और 4 नग बारूद स्टिक मिले। पुलिस तत्काल दोनों युवक मन ला गिरफ्तार कर ली। प्राप्त हुई थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति केसलूर के पास बैग लेकर खड़े हुए हैं। उसकी सूचना पर तत्काल केसलूर थाना भारी परपा एवं अन्य टीम के साथ जाकर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके कब्जे से दो बैग मिले। बैग से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके पास कुछ राउंड्स थे, AK-47 के राउंड्स मिले, SLR के राउंड्स मिले और 12 बोर की 5 लाख कारतूस प्राप्त हुए, साथ में 5 लाख रुपये प्राप्त हुए। उनको पुलिस कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ में पता चला कि जो एक व्यक्ति नागेश राव है, मंडरा बोलते हैं उसको, वो मध्य डेरिया का रहने वाला है, बीजापुर का। वो DKMS मेंबर सदस्य है, साथ ही उसके खिलाफ 7 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है जिसमें कई हत्या के वारदात में शामिल रहा है। CRPF के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, 2 जवान शहीद हुए थे 2009 में और 3 ग्रामीण घायल हुए थे, उसमें सम्मिलित रहा है। और आगे पूछताछ की गई, उसमें ये जानकारी मिला कि वो लोग राउंड जो एमुनेशन है उसकी खरीदारी करने के लिए सैम्पलिंग करके आए हुए थे कि उनको किस प्रकार के राउंड चाहिए। इसीलिए उनके कब्जे से 3-4 प्रकार के राउंड्स मिले, 9mm पिस्टल के राउंड्स मिले, AK-47 के और इंसास के, SLR के, सही प्रकार के जो उनके रिक्वायरमेंट थी। इसके हिसाब से अगर उनको मौके पर नहीं पकड़ा जाता तो उस हिसाब से लोग कहीं से राउंड व्यवस्था करते फिर उनको सेल आउट करते। आरोपी मन के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के धारा कायम कर मामला के जाँच शुरू कर दे। बस्तर ले डिजिटल रिपोर्टर मृन्मय बरोई के रिपोर्ट।